हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल होम फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पनीर की सब्ज़ी, जो खाने में बहुत जायकेदार और टेस्टी है। तो आप भी अपने घर पे ज़रूर इसको इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आइए चलते हैं हम इन्ग्रीडियंट्स की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। पनीर है हमारा 125 ग्राम, 3 मीडियम साइज़ के प्याज, 4 टमाटर पीस के ले लें, 2 आलू, तेल, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, ये 1 चम्मच है लाल मिर्च, आधा चम्मच है कश्मीरी मिर्च, कसूरी मेथी 1 चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला, मैगी मसाला 1, धनिया, नमक लेंगे हद पे ज़रूरत। तो चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और एक पतीला उस पर रख देंगे। इसमें हम ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें तेल। तेल हमें यहाँ ज़्यादा ऐड करना है क्योंकि हमें आलू और पनीर दोनों को फ्राई करना है। तेल अच्छा गरम होने देंगे। तेल गरम हो चुका है, अब ऐड करेंगे हम आलू। आलू ऐड करने के बाद हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और ब्राउन होए तक हमें आलू को फ्राई करना है। देखिए आलू हमारे अच्छे से पक रहे हैं। बीच बीच में आप चलाते रहिए, नहीं तो आलू नीचे से चिटक जाएंगे। देखिए हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है हमारा। 2 मिनट अभी और फ्राई करेंगे हम। आलू फ्राई करने के साथ साथ आलू गल भी जाएगा। अच्छे ब्राउन कलर आ चुका है हमारे आलूओं का। अब हमें आलू को निकाल लेना है। आलू निकालने बाद अब इसी तेल में हमें पनीर भी फ्राई करना है। ऐड कर लेंगे हमारा पनीर। पनीर ऐड करने बाद अच्छे से मिक्स कर लें। और इसे भी हल्का ब्राउन कलर आए तक फ्राई कर ले। देखिए हल्का ब्राउन कलर आ चुका है। अब हमारे पनीर को हम निकाल लेंगे। पनीर निकाले बाद तेल की क्वांटिटी हमें कम कर देनी है, जितना आपको लगता है उतना ही तेल लें और तेल पनीर जिसमें हमने फ्राई करे वही इस्तेमाल करें। तेल हम कम कर लेंगे यहाँ। अब ऐड करेंगे हम हमारी प्याज। प्याज को चॉप बारीक करके लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कलर चेंज होए तक फ्राई कर लेंगे प्याज को। प्याज का हमारे कलर बदल चुका है, हल्का गुलाबी कलर आ गया है प्याज का। देखिए अच्छे से हमारी प्याज हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करे बाद अच्छे से मिक्स कर लें। अब जब तक हमें पकाना है जब तक अदरक लहसुन की खुशबू ना आ जाए। अब ऐड करेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी हमें तेल में ही फ्राई करना है। अब ऐड करेंगे हम मिर्ची। मिर्ची को भी हमें तेल में ही फ्राई करना है।
तेल में फ्राई करने से सालन का कलर बहुत अच्छा आता है। देखिए अब ऐड करेंगे हम धनिया पाउडर, अब ऐड करेंगे गरम मसाला। अब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करेंगे हमारे टमाटर, टमाटर ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। और टमाटर का पानी सूखे तक हमें पकाना है। देखिए टमाटरों का पानी सूख चुका है, अच्छे से मिला लेंगे। अब ऐड करेंगे हम हमारे आलू, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करेंगे हम पनीर हमारा, पनीर ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। अब नमक ऐड करेंगे हसबे ज़रूरत। ऐड करने के बाद एक बार अच्छे से फिर मिला लें। अब ऐड करेंगे हम पानी, पानी हमने यहाँ ज़्यादा नहीं ऐड करे हैं। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी लगती है तो आप ज़्यादा भी पानी ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें और एक बार नमक चेक कर लें यहाँ पे आप। अब ऐड करेंगे हम हमारा मैगी मसाला। आप जब भी आलू पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे ना, एक बार मैगी मसाला ज़रूर डाल के देखिए, इससे टेस्ट ना डबल हो जाता है और सब्ज़ी हमारी बहुत लाजवाब बनती है। मैगी मसाला ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। अच्छे से पक चुका है हमारा। अब ऐड करेंगे हम धनिया, धनिया ऐड करने के बाद एक बार अच्छे से फिर मिला लें। अब गैस को ऑफ कर देंगे हम और हमारी सब्ज़ी को कवर कर देंगे और 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हमारे 2 मिनट हो चुके हैं, एक बार हम चेक कर लेंगे। हमारी आलू पनीर की सब्ज़ी अब रेडी हो चुकी है, इसे हम सर्व कर लेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए होम फूड जायका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।